हेलो व्हाट्सअप गाइस मैंने करेंट लोकेशन इन जॉस्क्रिप्ट जी हाँ गाइस तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे एक सिंपल एप्लीकेशन मैंने बनाया है जहां पे सो यूज लोकेशन है ना तो जब आप इस पे क्लिक करते हो ठीक है मैं कंसोल पे भी दिखा देता तो हूँ द मोमेंट आप इस पर क्लिक करते हो मुझसे पूछ रहा है क्या आप लोकेशन शेयर करना चाहते हो यानी ऑब्वियसली आप कोई भी वेबसाइट में जाते हो वो आपसे इस तरीके से पूछता है पहले

एंड गाइस ये जो डेटा हमें मिल रहा है वो बहुत इजीली हम गेट कर सकते हैं इसमें कोई ऐसा यू नो रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई एक दिन में हम इतनी बार ही इस रिक्वेस्ट को गेट कर सकते हैं एंड ऑल बिकॉज जाव जावास्क्रिप्ट हमें बिल्कुल फ्री में देता है विद दी हेल्प ऑफ ए पी आई इन द फॉर्म ऑफ़ ए पी आई कॉल्ड जियो लोकेशन आप में से बहुतों ने बहुत बार नेविगेटर करके सुना होगा मैं अगर यहाँ पर सिर्फ नेवी ये देखो आप देख सकते हो इतने सारे ऑप्शन है खाली नेविगेटर लिखता हूँ तो मुझे कुछ इतना सब कुछ डेटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव वन ऑप्शन एंड दैट इज योर जियो लोकेशन सो इनसाइड आवर नेविगेटर ऑब्जेक्ट वी हैव अ जियो लोकेशन एंड उस जियो लोकेशन में भी अगर मैं और फर्दर जाऊँ सो वी हैव बेसिकली थ्री मैथड्स क्लियर वॉच गेट करेंट पोजिशन एंड देन वॉच पोजिशन सो ये जो वॉच पोजिशन आपको दिखाई दे रहा है ना गाइस तो ये वॉच पोजिशन वही एक ऐसा uh, आप कह सकते हो मेथड है जिसके चलते है आप यूजर को ट्रैक कर सकते हो काइंड ऑफ बेसिकली वो कहाँ कहाँ जा रहा है एटलीस्ट आप उसका डेटा गेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वॉच पोजिशन एंड मैं बहुत जल्द वर्ल्ड बेस्ट JavaScript course कोर्स लेके आने वाला हूँ तो उन सब में बहुत कुछ आपको सीखने मिलने वाला है ये जस्ट एक झलक है कि मैंने सोचा क्यों ना मैं दिखा देता हूँ क्योंकि उसको बनाने में बहुत मेहनत लग रही है इन सच में बहुत टाइम लग रहा है मैंने सोचा नहीं था बट बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है बट जो भी हो बहुत औसम होगा आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है ठीक है तो आई होप आपको पता चल गया कि हम क्या इसको आई I मीन mean, किस तरीके से हम गेट करने वाले सो so गैस बिना किसी देर के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते लेकिन उससे पहले गैस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा नेक्स्ट टारगेट वन मिलियन सब्सक्राइबर है एंड गैस अगर जब कोर्स को जल्दी देखना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले जल्दी जल्दी करने का है ना तो इस देखो अभी मैं एक बार अगर ब्लॉक कर दूं तो देखो यूजर डिनाइड जियो लोकेशन चलो ठीक है आपको पता चल गया सो so कैसे आप देख सकते हो कि मैं अपनी व्यूज कोड एडिटर पर आ चुका हूँ एंड डोंट डो रिस कोड बिल्कुल फ्री होगा नीचे मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेंशन नहीं लेना है ठीक है तो यहाँ पे आप एक चीज़ बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैंने एक बटन ली हुई है ठीक है जो आपको बेसिकली एक यूजर इंटरफेस में जो दिखाई दे रहा था एंड देन वी हैव वन पैराग्राफ इस पैराग्राफ में हम हमारा यूजर का जो लॉन्गिट्यूड एंड देन जो बेसिकली uh, लेटिट्यूड है वो हम यहाँ पर एड करने वाले डिस्प्ले कराने वाले डायनेमिकली विद द हेल्प ऑफ जर एंड हाँ का इसे भी बताना चाहूँगा कि हमने हमारा जो औसम मन था वो कंप्लीट कर लिया है लाइव होस्ट भी हो चुका है तो गाइस अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ इसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आप मेरे थापा टेक्निकल डॉट शॉप पर जाते हो तो हेयर वी है सी एस कोर्स इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा फॉर फर्दर सी रिलेटेड कुछ भी अगर आपको क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आप बहुत ईजिली वीडियो देख सकते हो फिलहाल मैं वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ डैट्स वाई गाई से बहुत स्लो काम कर रहा है बट कोई नहीं मैं इतना तो अब आपको पता चल ही चुका है ठीक है सो देखिए कैसे सबसे पहले बहुत आ, एक सिंपल सा कोड लिखता हूँ एंड डैट इज़ कंसोल डॉट लॉग ठीक है मैं यहाँ पे चलता हूँ नेविगेटो डॉट जियो लोकेशन ठीक है सिर्फ मैं इतना लिखता हूँ मैं यहाँ पे चल रहा हूँ इंस्पेक्ट कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे आ, नो एक सेकेंड या yeah, इसको मुझे एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा कंट्रोल सेफ्ट एंड आर तो आप देख सकते हो जियो लोकेशन का मुझे डेटा आ चुका है ऑब्जेक्ट यहाँ पर जिसमें से ये तीन मेरे पास है एक काम करते हैं एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट व्यू एस कोड इसकी डॉट कंट्रोल आई मीन शिफ्ट डॉट लिखते मुझे ऑटोमेटिक ऑप्शन आ रहा है गेट करंट पोजीशन पे मैं जा रहा हूँ अगर मैं ये करता हूँ ठीक है कंट्रोल शिफ्ट एंड आर कंट्रोल शिफ्ट एंड देन आर बेसिकली हार्ड रिसेट तो मुझे इस तरीके से एक गेट करंट पोजीशन का मुझे एक फंक्शन दिखाई दे रहा है खाली अब मैं आपको बताता हूँ ये एक ऐसा फंक्शन है जो बेसिकली दो कॉल बैक्स एक्सपेक्ट कर रहा है एज एन आर्गूमेंट ठीक है तो वो मैं डायरेक्टली यहाँ तो दे नहीं सकता अब मैं आपको बताता हूँ देखो इसको हटा रहा हूँ कंट्रोल एस सेव ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं लेट्स क्रिएट वन बटन यू नो आई मीन एक क्लिक इवेंट ऐड कर लेते हैं सो दिस इज डॉक्यूमेंट डॉट वी हैव अ क्वेरी सेलेक्टर आप गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा झंझट आ जाएगा उसमें इसलिए क्वेरी सेलेक्टर ठीक है अगर आप यूज करते हो सिंपल इस तरीके से क्लासेस डॉट एड इवेंट लिसनर जब भी कोई इस पर करेगा क्लिक तो हम एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ठीक है सिंपल दिस इज योर कॉल बैक फंक्शन ऑसम अब यहाँ पे इफ है ना? अगर हमें वो डेटा मिल रहा है दैट इज़ नथिंग बट योर नेविगेटर. डॉट जियो लोकेशन, है ना अगर वो हमें मिलता है तो ही हम हमारा ये जो कोड है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें मुझे क्या करना है अगर डेटा मुझे मिला तो मैं वो फंक्शन कॉल करने वाला हूँ नेविगेटर डॉट वी हैव अ जियो लोकेशन डॉट वी हैव अ गेट करेंट पोजिशन तो ये जो गेट करेंट पोजिशन है ये आपका एक स्टेटिक डेटा द मोमेंट यूजर जहाँ पे भी है एंड देन उसने अगर हिट की तो उस पर्टिकुलर जो वो जो उस टाइम फ्रेम का जो करंट लोकेशन था वो हमें यहाँ पे मिलने वाला है इसके थ्रो तो आप ट्रैक नहीं कर सकते ठीक है तो बेसिकली ये क्या करता है टेक्स टू कॉल बैक फंक्शन पहला कॉल बैक फंक्शन होगा अगर वो सक्सेस होता है तो दूसरा कॉल बैक फंक्शन होगा अगर सक्सेस नहीं होता है तो ठीक है एंड बाय डिफॉल्ट हमें एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मिल ही रहा होता है ठीक है मतलब यहाँ पे आप कुछ भी लिख के पास कर सकते हो बट अगर एरर का केस में मोस्टली एरर ही टारगेट करते हो राइट तो यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हो ये जो एरर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डैट इज मैसेज ठीक है तो जो भी मैसेज होगा वो मुझे यहाँ पर आ जाएगा अब रही बात ये सक्सेस की तो यहाँ पर भी आप कुछ भी लिख सकते हो लेट्स गो विद पोजिशन या लोकेशन आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे तो मैं पोजिशन कर देता हूँ तो कंसोल डॉट लॉक करता हूँ एंड ये जो पोजिशन है सिर्फ उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ लेट्स सी क्या होता है ठीक है so, सो गाइस यह सब सिंपल है अगर यूज़र हमें अलाउ करता है लोकेशन शेयर करना आई I मीन mean, अपना अगर लोकेशन शेयर करता है वो देन हमें ये सक्सेस वाला आउटकम आएगा अगर उन्होंने डिनाई कर दिया यूज़र ने देन हमें ये बता देंगे कि यूजर ने डिनाई कर दिया सिंपल है ठीक है तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझसे पूछ रहा है पहले मैं अलाउ कर देता हूँ सो द मोमेंट मैं अलाउ करता हूँ तो आप देख सकते हो कि अगर मैं पोजिशन बेसिकली मैंने ये पास की हुई है ना तो मुझे इतने सारे डेटा दिखाई दे रहा ऑब्जेक्ट जिसमें वी हैव एक्यूरेसी और ये जो भी हो वी हैव दिस लेटिट्यूड एंड देन लॉन्जीट्यूड ठीक है तो बस मुझे ये जो लेटिट्यूड है एंड देन ये जो लॉन्जीट्यूड है मुझे यही चाहिए लॉन्जीट्यूड लॉन्जिट्यूड जो भी आप बोल सकते हो उसको ये मुझे कहाँ मिल रहा है इनसाइड कॉर्ड्स ठीक है तो इट्स अ पोजिशन डॉट कॉट्स डॉट आप देख सकते हो बाई डिफॉल्ट मुझे यहीं पर ऑप्शन यह आ रहा है जो कि बहुत और awesome समय है ठीक है मैं वापस इसको रिसेट करता हूँ इस पर क्लिक करता हूँ अलाउ कर देता हूँ तो मुझे क्या आ रहा है ये लेटिट्यूड मुझे आ गया अब हम क्या कर सकते हैं मैं एक काम कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा इजीली ये जो लेटीट्यूड है एंड देन ये जो लॉन्जीट्यूड है क्यों ना इसको मैं डिस्ट्रक्चर कर दूँ बिकॉज है तो ये एक ऑब्जेक्टिव राइट सो इट्स अ लेटीट्यूड एंड देन वी हैव अ लॉन्जीट्यूड ठीक है एंड ये डेटा कहाँ से मिल रहा है मुझे पोजिशन डॉट वी हैव अ कॉर्ट्स यहाँ से मुझे डेटा आ रहा है इसकी मुझे नीड नहीं है अभी मैं, मैंने ये इसलिए ली ताकि ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है सो so डिटेल्स इसको मैं क्या करता हूँ गेट करता हूँ कॉन्स्ट सो डिटेल्स अगेन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ये भी क्या एक क्लास है ठीक है आई इट्स सो डिटेल्स दिस इज इट अब ये जो है इसके अंदर मुझे डेटा दिखाना है तो यू कैन गो विधर इनर टेक्स्ट और यू कैन गो विद टेक्स्ट कंटेंट ठीक है तो मैं यहाँ पर चलता हूँ ये जो मेरा है डॉट लेट्स को भी टेक्स्ट कंटेंट ये ज़्यादा ईजी गिरता है ज़्यादा इफेक्टिव है मॉडर्न है ठीक है एंड डोंट वरी जो जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स आने वाला मैं सारे डिफरेंस क्लियर कर दूंगा इनर एस्टेमल इनर टेक्स्ट ये आपका जो टेक्स्ट कंटेंट है क्यों हमें इनर एस्टेमल एंड इनर टेक्स्ट ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए एंड ऑल सब आपको पता चल जाएगा बट फिलहाल यूज़र सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने मेरा जो डेटा uh, है वो लिख ली है बट यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि अगर मैंने इसको डिस्ट्रक्चर नहीं करता तो मुझे कुछ इस तरीके से लोकेशन डॉट कॉट्स डॉट लेटिट्यूड एंड देन अगेन मुझे यहाँ पे उसको बार बार रिपीट करना पड़ता सो दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई क्यों मैंने इसको इस तरीके से डिस्ट्रक्चर कर दिया पहले ही ताकि अभी जो लोकेशन डॉट कॉट्स जो मुझे दिखाई दे रहा है इसको मुझे लिखने की नीड नहीं है मैं डायरेक्टली जो लेटिट्यूड एंड देन जो लॉन्जिट्यूड वाली जो वैल्यू है मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ दिस इज़ इट मेरा काम कम्प्लीट है ना अगर यूज़र अलाउ करता है तो उसका डिटेल्स हम दिखाएंगे अगर नहीं करता है तो भी तो मुझे डिटेल्स दिखाना ही है तो मैं यहाँ पे चल के एरर डॉट मैसेज जो है पेस्ट कर देता हूँ सिंपल ठीक है या दिस इज इट तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एस सेव करता हूँ इस पर मैं हिट करता हूँ अलाउ बोलता है एंड बूम गाइस सी ये देखिए मुझे मेरा डेटा आ गया है ना यहाँ पे कुछ आएगा नहीं मैं फिर से इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ सो गाइस मैं वापस इसको रिफ्रेश करो अब दिस टाइम मैं ब्लॉक कर देता हूँ यूजर डिनाइड जियो लोकेशन दिस इज इट सो so गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही है ना बट अभी भी एक चीज़ बाकी मैं आप लोगों के समक्ष दिखाना चाहता हूँ एंड दैट इज़ अगेन हाँ मैं अलाउ कर रहा हूँ मुझे लेटिट्यूड एंड देन लॉन्चिट्यूड मिल गया बाय द वे गाइस ये मेरा एड्रेस नहीं है मैं एक तो वीपी एन यूज़ कर रहा हूँ ऊपर से मैंने आ, डेटा भी चेंज करके रखा इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि हम कैसे अपना एड्रेस बेसिकली लोकेशन चेंज कर सकते हैं यूजिंग ब्राउजर ऑनली तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा है ना एंड कल के दिन मैं एक ऑसम awesome वीडियो लेके आने वाला हूँ जहाँ पे यूज़र ने अगर ये लेटिट्यूड एंड देन लॉन्चिट्यूड डाला तो मुझे उस उस वैल्यू के थ्रू मुझे उसका एक्चुअल घर का एड्रेस चाहिए वो मुझे वो दिखाना है वो मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा एंड आर यू इंटरेस्टेड आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो यानी इसको लेके तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा एंड फिर से बोलो सिर्फ ये एक झलक है हमारे जा उसके पार्ट का जो मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ उसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है तो आप देख सकते हो एक वेबसाइट है यू नो दैट इज़ योर रिवर्स जियो कोडिंग तो बेसिकली जो भी लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का जो वैल्यू होता है उसके बेस पर हम उसका एड्रेस फाइंड आउट यहाँ पर कर सकते हैं तो आपको कभी भी लगे तो जो भी अब ये जो पार्ट है आप, अब आपको लग रहा होगा यार इसका क्या ही काम होगा बट देखो ना कितना काम है आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कितना ज़्यादा काम है आपको पता चल जाएगा मैं कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो मुझे ये एड्रेस आ गया तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लेटिट्यूड एंड देन लॉन्जिट्यूड मुझे उस बंदे का पूरा का पूरा डेटा आ गया क्या अभी ये, अभी ये, मेरा एड्रेस नहीं है ये मैंने जस्ट अपना लोकेशन चेंज करके रखा हुआ है बट हाँ इस तरीके से हम डेटा गेट कर सकते हैं फिलहाल तो अभी मैं एक थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज कर रहा हूँ सो दैट मुझे वो बंदे का एड्रेस मिल जाए बेसिकली इसके थ्रू मैं उसका एड्रेस फाइंड आउट कर सकू बट इस कल की वीडियो में हम अपना खुद का वेबसाइट बनाएंगे जिसके थ्रू अगर कोई भी कुछ भी उनको तो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड भी लिखने की नीड नहीं है सिंपल एक बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू के साथ साथ ये जो वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो वैल्यू भी मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके दिखाऊंगा एंड उसको आप जैसे अपनी मर्जी उस तरीके से उसको डिजाइन कर सकते हो क्योंकि मैं वर्ल्ड बेस्ट जेसेस कोर्स भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ सोर्स कोड भी इसका बिल्कुल फ्री है मन सीरीज भी एकदम कम्प्लीटली अपलोड कर चुका हूँ इसका भी सोर्स कोड कोर्सेज सब कुछ बिल्कुल फ्री है यहाँ पर सब आप चेकआउट कर सकते हो ऑल आर्ट गाइड सो दिस इज इट आज आजिस्ट वीडियो क्लिक नहीं होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद होगा एंड वन मोर थिंग एक चीज़ तो मैं दिखाना भूल गया आप लोगों को एंड दैट इज वीडियो में लिखा था यूजर ट्रैकिंग राइट तो देखो हमने गेट करेंट पोजिशन पढ़ लिया इसको अगर मैं हटाता हूँ वी हैव अ वॉच पोजिशन ऑल्सो वॉच पोजिशन का मतलब ये अगर इफ़ यू रिमेंबर अगर आपने नोट जेस पे काम किया था तो वी हैव अफ हाइफन हाईफ वॉच जिससे वो कंटिन्यूसली हमारे जो भी हम सेव करते हैं रन करते उसको बाई डिफ़ॉल्ट वो चलाता रहता है तो यहाँ पे अब इसके मदद से आप बहुत ईजीली डेटा जो है उसको ट्रैक कर सकते हो ठीक है मैं बताता हूँ देखो इस पर जाना है मोर टूल्स वी हैव अ सेंसर्स मैंने मुंबई का ऐड कर रखा है ठीक है मैं मुंबई पे जाता हूँ पहली बात तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ अलाउ कर रहा हूँ दिस इज़ इट सो ये बाई डिफॉल्ट डेटा मुझे आ गया ठीक है मैं यहाँ पे चल के नो ओवर राइड कर रहा हूँ देखो मेरा डेटा चेंज हो गया अब मैं मुंबई पर जा रहा हूँ ध्यान से देखना यहाँ पर अगर मैं डेटा चेंज करूँगा एंड बुम्सि अब आप देख सकते हो वहाँ पे भी डेटा चेंज हो रहा है इट मीन्स कि वंस आपने अलाउ कर दिया एंड देन यूजर जहाँ जहाँ जा रहा है रियल टाइम में मेरा डेटा वहाँ पे अपडेट हो रहा है देखो मैं अब खाली अपना डेटा चेंज कर रहा हूँ रियल टाइम वो उसको वॉच करते जा रहा है पोजिशन सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रैक सम वन ये बहुत जगह काम, काम आ सकता है गाइस आपके वेदर एपीआई में भी ये काम आ सकता है यू नो आपने इस बोतन देखा होगा वेदर एपीआई फाइंड आउट करने के लिए वो लोग लेटिट्यूड एंड देन लॉन्जिट्यूड का भी वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं बेसिकली एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो जीपीएस ट्रैकिंग में आप इसका यूज़ कर सकते हो बहुत सारी जगह यूजर का एड्रेस फाइंड आउट करने में आप इसका यूज कर सकते हो एंड दी बेस्ट पार्टी बिल्कुल फ्री है हज़ारों रिक्वेस्ट करो इसको बाकी जगह क्या होता है भाई दिन के सौ रिक्वेस्ट कर सकते हो वेदर ए में इतने बट यहाँ पे तो जाट आपको फ्री में दे रहा है राइट तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो एंड आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा कल के दिन मैंने आपको बता दिया फिलहाल अभी मुझे डेटा मिलता है वैल्यू और मुझे दूसरे वेबसाइट में जाना पड़ रहा है उसका एड्रेस देखने के लिए रिवर्स जियो को इन करना पड़ रहा है बट ये जो पार्ट है ये मैं आपको कल के वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आप इस वैल्यू को लेके एक बार एपीआई को कॉल करके डेटा दिखा सकते हो तो बेसिकली एक साथ हम दो 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 कॉल हिट करने वाले हैं सो गाइस आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ भर भर किसे एंड नीचे वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स या वी आर वेटिंग या आपका जो भी मन हो आप जो भी चाहते हो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी एंड इंपॉर्टेंट मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा सो so गाइस मिलता हूँ मैं अब आपको कल की वीडियो में टिल दिन गाइज थैंक यू सो मच टेक केयर